मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो समय निकालकर यहां पर पधारे, और पूरे गांव की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के तत्वावधान में एक शाम गौ माता के नाम कार्यक्रम रखा गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सहयोग किया, सपोर्ट किया। देखिए आज इस देश के अंदर भजन होते थे, कीर्तन होती थी, जागरण होती थी, मगर एक शाम गौ माता के नाम कार्यक्रम नहीं हुआ करता था। आज ये नौबत क्यों आई? क्योंकि हम लोगों ने धर्म छोड़ दिया है, गौ माता को भूल गए हैं, देश को भूल गए हैं, हमारी संस्कृति को भूल गए हैं, इसलिए नौबत आई आज एक शाम गौ माता के कार्यक्रम करने की। आज ये नौबत आ रही है जो पूरे देश के अंदर गौ माता का कार्यक्रम हो रहा है और आप सब लोग जान रहे, मगर जो हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली की सड़कों पर सरेआम गाय को काट दिया जाता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, मगर कोई हिंदुस्तान का लड़का भगवा लेके निकलता है तो उस बच्चे को गोलियों से भूंग दिया जाता है। मगर आज ये नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि हम धर्म भूल चुके हैं, इसलिए नौबत आ रही है। हमें जगना पड़ेगा गौ माता के प्रति, हमें जगना पड़ेगा तभी हमारे देश के अंदर गौ माता बस पाएंगी। आज ओम जी मुंडेल पूरे देश भर में गौ माता का कार्यक्रम करवा रहे हैं, जो 7 नवंबर पर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 2 करोड़ लोगों को लेकर ओम जी मुंडेल के नेतृत्व में जाएंगे। मैं सभी को, मोरीगांव को भी कहना चाहता हूं कि अगर 5 साल में एक बार नेताजी को वोट देने के लिए हम बॉम्बे से, पुणे से, अहमदाबाद से हम वोट देने के लिए नेताजी को आते हैं, मगर एक शाम एक दिन गौ माता के लिए 7 नवंबर को वोट देने के लिए वहां पर आना है। अगर मेरी गौ माता जीत गई तो पूरे देश के अंदर ये जो जिहाद चल रहा है आतंकवादियों का अड्डा सब समाप्त हो जाएगा। अगर मेरी गौ माता जीत गई तो वोट लग गया, राष्ट्र माता बन गई, तो ये सब ये हम लोगों को धमकी देते हैं और हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं, हमको जेल भेजते हैं, फर्जी केस बनाकर ये सब बंद हो जाएगा। इसलिए मेरा गांव से निवेदन है और सभी युवा से निवेदन है कि इस बड़ा संगठन में जुड़िए, प्रवीण भाई तोगड़िया जी का संगठन है और पूरे राजस्थान के अंदर यह संगठन की स्थापना हुई है और पूरा भगवा लेके निकला है यह संगठन। अगर इस संगठन के अंदर मजबूती के साथ जुड़ गए तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। हमारे पूर्वजों ने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, हमारे पूर्वजों ने किसी को उपवास करने की सलाह नहीं दी, हमारे पूर्वज सब मरते लड़ते रहे, सर कटते गए मगर दल लड़ता रहा और हमें भी हिंदू बनाकर गए और खुद भी हिंदू बनकर गए। इसलिए हमें गर्व होता है, इसलिए हमें साथी ठोक के कहते हैं कि हम हिंदू हैं। जातियों में मत बटो, जातियों में बटने से हमारा देश कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं राजपूत, मैं राजपुरोहित, मैं देवासी, जातियों में बटने से कोई मतलब नहीं। एक भगवे के नीचे आओ, जब तक एक भगवे के नीचे नहीं आओगे तब तक आप खुद की रक्षा भी नहीं कर पाओगे। अगर यकीन नहीं हो तो जाके देख लो कश्मीर के अंदर, जहां पे 4 लाख पंडितों को भगा गया था, जो दिल्ली की सड़कों पर सरेआम मूंगफली के ठेले लेके घूम रहे हैं, जो स्थिति कश्मीर की हुई वो स्थिति हमारे हिंदुस्तान की ना हो। इसलिए मैं गांव से सभी से निवेदन करूंगा कि गौ माता की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो और एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। जो गांव के हित की बात करता है तो उसका सपोर्ट कीजिए।
ऐसा नहीं कि उसको गिराने का प्रयास करो, उसके टांग खींचने का प्रयास करो। इसलिए मेरा सभी युवा साथियों से निवेदन है कि इस संगठन से जुड़िए और इस संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए। मैं तो कई बार इस मौर्य गांव के अंदर लोगों को जागरूक करता रहता हूं और कई बार युवा को भी कहना चाहता हूं कि जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर जो सारे की व्यवस्था की थी, पूरे लॉकडाउन के अंदर 4-5 महीने कम से कम 20-25 ट्रैक्टर भर भर कर गौ माता की सेवा की थी हमारे मौर्य गांव के अंदर युवाओं ने। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी युवा साथियों को जिन्होंने मेरा सहयोग किया, सपोर्ट किया। और बेड़ा की गोसर जो अतिक्रमण हटवाया है और यहाँ पे भोपाजी भी विराजमान है और सभी बाली की टीम यहाँ पे विराजमान है, तो मैं कहता हूं कि दुधनी पंचायत के अंदर कुछ लोगों ने जो दबा के बैठे हैं अतिक्रमण, उसके बारे में ध्यान दीजिए थोड़ा बहुत। जो कब्जा करके बैठे गौ माता की जमीन पर, इसलिए मैं सभी टीम से निवेदन करूंगा कि इस टीम को लोगों के बारे में थोड़ा और गौ माता के प्रति सब सबको पता है कि यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा गया है। इसलिए मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि इस टीम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा कि सैनिक की पहचान उसके शस्त्रों से होती है, नारी की पहचान उसके वस्त्रों से होती है और बाड़ी अड़म्बर दिखावे का कोई मूल्य नहीं, मनुष्य की पहचान उसके व्यवहार से होती है। इसलिए हमें व्यवहार बनाना है गांव के अंदर, जो हिंदू हित की बात करता है उसका सपोर्ट करना है, सहयोग करना है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जय श्री राम। हेलो, जय हो, जय हो। जोरदार तालियां एक बार, क्या बात। जय जय श्री राम। पूरी टीम हमारी ऊपर आ जाओ, एक बार पूरी टीम ऊपर आ जाओ। गर्व महसूस होता है जब ऐसे शेर हमारे साथ खड़े होते हैं, अपने लिए औरों के लिए जीते हैं। बोलिए जय जय श्री राम। गर्व महसूस होता है जितेंद्र सिंह जी आप पर।